वेलकम स्वागत बाटे रउआ सबके हमारे खास प्रोग्राम ओ वुमनिया में। ए प्रोग्राम में हम बताई ले इंडस्ट्री आ स्टार लोग से जुड़ल हर ओ तमाम खबर के जनला का बाद रउआ सबके बहुत खुशी होखेला। प्रोग्राम के अंत में हम दर्शक लोग के मैसेज भी बताई ले जे हर कोई भेजेला अपन अपन फेवरेट स्टार खातिर। त चली शुरुआत कर जाओ, जानल जाओ पहला खबर जो जुड़ल बाटे पवन सिंह के फिल्म माँ तुझे सलाम से। माँ तुझे सलाम आज रिलीज हो गई बाटे। 10 बजे से सिनेमा घर में ई फिल्म लागल रहे आ लेकिन उसे पहले ही सिनेमा घर के बाहर इतना भीड़ हो गयल कि हाउसफुल के बोर्ड खाली सिनेमा घर खोलते आधे घंटा के अंदर हाउसफुल के बोर्ड लगा देवल गई। ओकरा बाद भी इतना पब्लिक सिनेमा घर के बाहर की का कहल जाओ। पवन सिंह के नाम से फिल्म हिट होकेला ये बात में कोनो शक नहीं थे लेकिन ये फिल्म के प्रचार प्रसार काफी दिन से चलत रहा यही से ज्यादा लोग ये फिल्म के देखे पहुंचल बटे। तो हम बाकी आवे वाला फिल्म से भी यही कहम कि अगर फिल्म के हिट करवावे के बाद तो भाई ओकर जानकारी घर घर जाके देव ही के पड़ी। आजकल उहे फिल्म सिनेमा घर में चली जेकर प्रमोशन भी अच्छा से होई, जितना अच्छा से फिल्म बनावे में फिल्म मेकर्स लोग पैसा लगावेला उतने अच्छा से फिल्म प्रमोशन में भी लगावे के चाहिए। एकर बहुत अच्छा उदाहरण एगो बॉर्डर फिल्म बाटे जेकर प्रमोशन खातिर निरहुआ बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर ले रहे न तो अच्छा अच्छा कहानी आके चल जली सा केहू के पतो ना लगे। तो यही से अगर अपन फिल्म हिट करवावे के बाद तो भैया प्रमोशन के बहुत जरूरत बटे। तो फिलहाल माँ तुझे सलाम के अच्छा रिस्पांस मिल रहा बा और रिस्पांस से जुड़ल एगो खास खबर हम सब के आगे दिखाएं। फिलहाल अगला खबर बतावे जा रहा बानी जो जुड़ल बाटे अरविंद अकेला कल्लू से। कल्लू के फिल्म शंकर के मुहूर्त उनकर जन्मदिन पर भइल बाटे। आई मुहूर्त कइले बाड़े चंदन उपाध्याय जे आवारा बोलम फिल्म में नजर आ चुकल बाड़े कल्लू का साथ है। ए फिल्म में 3-3 गो नया हीरोइन रवा सबके देखे के मिल सकेला लोग काहे कि कल्लू के जन्मदिन के जश्न फिल्म के मुहूर्त के साथ मनल बाटे जहाँ कल्लू अपन 3 नया हीरोइन का साथ नाचत झूमत खूब नजर आयल बड़े आ बहुत सारा लोग बैठल रहेगा स्टूडियो में। कल्लू के जन्मदिन बहुत अच्छा से सेलिब्रेट भइल आ ओही घरिया चंदन उपाध्याय कल्लू के ई गिफ्ट देले बड़े फिल्म रूपी। तो शंकर के मुहूर्त भइल बटे, शूटिंग तनी मनी लेट से हो सकता शुरू होगी। फिलहाल हम अगला खबर वो सबके बता देता नहीं जो जुड़ल बटे सुभी शर्मा से। सुभी शर्मा का साथ है खेसारी के कलकत्ता में स्टेज शो भइल बटे 7 तारीख के जहाँ इनका स्टेज शो हिट भइल भक्तिमय स्टेज शो रहे। सुभी शर्मा का साथ ही पहला स्टेज शो ना हटे ऐसे पहला हूँ सुभी शर्मा का साथ है खेसारी कई सारा स्टेज शो कर चुकल बने रवा सबके देखे के मिल चुकल हो कि चाहे सोशल मीडिया पर भी कई सारा वीडियो ऐसा बाटे जब खेसारी सुभी शर्मा एक साथ बा लोग। एक बार तो खेसारी स्टेज पर सुभी शर्मा के बहुत अच्छा सरप्राइज पार्टी दिले रहें क्या कि इतना लोग के बीच में पहले बार सुभी शर्मा के जन्मदिन सेलिब्रेट कल गल रहे। यही से ओकरा बाद सुभी शर्मा भी खेसारी के साथ स्टेज शो करे खातिर बहुत उतारू रहेली। तो सुभी शर्मा खेसारी के स्टेज शो से भी जुड़ा लेगो खास खबर हम रोज सबके आगे दिखाएं। फिलहाल बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो अक्षरा सिंह के साथ है जुड़ल बा। ऐसा खबर खूब सारा रोज सब सुन ले हुकम कि खेसारी अक्षरा एक साथ फिल्म में नजर आवे वाला बोलो अक्षरा का साथे काम करे में अक्षरा कबू ई कहेली खेसारी ऊ कहेली लेकिन फाइनली कैमरा का सामने आवत खानी खेसारी अक्षरा सिंह के साथे काम के लेके बयान देले बड़े वही कहले बड़े कि अक्षरा मेरी अच्छी दोस्त है और हमेशा रहेगी हम दोनों आगे भी काम करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा रलक हो जब लाइव आके खुद खेसारी कबूले रलन हो कि हमारा आखिरी फिल्म बा हमरा नहीं खे लागत कि अब अक्षरा सिंह हमारा साथ काम करी हन। तो फिलहाल अक्षरा खेसारी से भी जुड़ल एगो खास खबर हम रोज सबके दिखाएं लेकिन अब ही तक जे खबर दिखौले बनी ओकरा के इत्मीनान से जाने खातिर आराम से जाने खातिर और विस्तार से जाने खातिर डाली एगो नजर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। तो आज पवन सिंह के फैंस के लिए बड़ी ही खुशी का दिन है क्योंकि आज से बिहार झारखंड के सिनेमा घरों में पवन सिंह की फिल्म माँ तुझे सलाम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का प्रमोशन रिलीज से काफी समय पहले से चल रहा है तो जाहिर सी बात है दर्शकों तक और घर घर तक इस फिल्म का नाम तो जरूर पहुंच चुका होगा जिसका फल आज पहले ही दिन देखने को मिल चुका है क्योंकि सिनेमा घरों के बाहर इतनी लंबी कतारें दर्शकों की सुबह से ही लग चुकी है जो कभी खत्म ही नहीं हो रही। दर्शक फिल्म देखने भारी संख्या में पहुंचे हैं। बता देना चाहेंगे कि इस फिल्म को देखने के लिए भारी भीड़ नहीं बल्कि अपार भीड़ मिल रही है देखने को। जी हां, झारखंड के पायल सिनेमा से लेकर बिहार के अजंता सिनेमा घर में भी दर्शकों की लंबी कतारों को देखकर सिनेमा घर के ऑनर्स ने काउंटर पर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। उसके बावजूद लोग वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले दिन ही
पवन सिंह की फिल्म माँ तुझे सलाम हाउसफुल साबित हुई है और बम्पर हिट ओपनिंग भी मिली है। भोजपुरी फिल्मों के युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कल्लू अपनी लगातार नई नई फिल्मों के मुहूर्त को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, तो वहीं कल्लू के लगातार रिलीज होने वाले बोलबम गाने भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बना रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत कम समय में कल्लू ने अपनी पहचान और खास जगह बाकी के बड़े कलाकारों के बराबर कर ली है। यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर कई सारे फिल्म मेकर्स और कलाकारों ने उन्हें फोन करके ना सिर्फ विश किया, बल्कि कल्लू के इस खास दिन पर फिल्म मेकर चंदन उपाध्याय ने कल्लू के लिए एक और नई फिल्म का मुहूर्त किया, जिसका नाम था शंकर। इससे पहले चंदन की दो फिल्मों का मुहूर्त पहले भी हो चुका है, वो भी कल्लू के साथ। देखा ही होगा आपने कि आवारा बलम हिट होने के बाद बब्बर और फिर ये तीसरी फिल्म है जिसके मुहूर्त के दौरान कल्लू अपनी नई तीन हीरोइनों के साथ खूब सारे ठुमके लगाते नजर आए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कल्लू की फिल्म शंकर में तीन नई हीरोइनों की एंट्री होने जा रही है, जिनके साथ आप उनकी फिल्म देखेंगे। भोजपुरी फिल्मों के युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू इन दिनों इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नाम कमा रहे हैं। सावन के मन भावन महीना में स्टाइलिश स्टार अरविंद अकेला कल्लू ने हर साल की भांति इस बार भी भोले बाबा के भक्तों और संगीत प्रेमियों के लिए कावड़ गीत लेकर आए हैं। ज्यादा से ज्यादा कावड़ियों तक पहुँचने के लिए कल्लू ने तीन म्यूजिक कंपनी से कावड़ गीतों का तीन एल्बम गाया है, जिसके ऑडियो और वीडियो बहुत पसंद किए जा रहे हैं। उनका पहला एल्बम संगीत जगत फेमस आदिशक्ति फिल्म से गुड मॉर्निंग भोले बाबा के रिलीज किया गया है। दूसरा कावड़ गीत एल्बम कावड़ सजा के देवघर चला सुप्रसिद्ध म्यूजिक कंपनी वेब से जारी किया गया है। शिव विवाह शीर्षक से कावड़ गीत का एल्बम कल्लू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है। इन तीनों एल्बम में कई कावड़ गीत हैं, जिसमें शिव महिमा का बहान, भोले बाबा से भक्तों की गुहार, शंकर पार्वती प्रसंग और नाना प्रकार से भोलेनाथ का वर्णन करते हुए कावड़ गीत अरविंद अकेला कल्लू ने गाए हैं। सभी गानों का वीडियो बहुत ही दर्शनीय बनाया गया है, कई गाने काफी वायरल भी हुए। अरविंद अकेला कल्लू कहते हैं कि मेरे सभी कावड़ गीत को बहुत पसंद किया जा रहा है। इस सफलता पर सभी शिव भक्त और संगीत प्रेमियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भोले बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल के स्टेज शो में अक्सर हंगामे होते हैं, ये बात आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पर ना जाने कितने सारे स्टेज शो के ऐसे वीडियो हैं जिसमें या तो दर्शक आपस में ही मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर कभी स्टेज पर खेसारी पर बोतलें और चप्पलें मारते दिखाई देते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि इतने हंगामे के बाद भी खेसारी की डिमांड स्टेज शो के लिए कभी कम नहीं होती। दरअसल हाल ही में देवघर में खेसारी के स्टेज शो में जो हंगामा हुआ, उसके बाद एक बार फिर से कलकत्ता में बीते दिन पहले फिर से खेसारी लाल को स्टेज शो करते हुए देखा गया है। इस स्टेज शो में खेसारी के साथ सुभी शर्मा पहुंची थी। इससे पहले भी खेसारी का सुभी शर्मा के साथ स्टेज शो काफी पसंद किया जा चुका है और सुभी भी हमेशा खेसारी के साथ स्टेज शो करने के लिए बेताब रहती हैं, क्योंकि अपने स्टेज शो में खेसारी ने एक बार सुभी का बर्थडे सरप्राइज दिया था, जो हमेशा के लिए सुभी के लिए यादगार बन गया। वेल, जाते जाते बता दें कि सुभी शर्मा के साथ खेसारी की फिल्म हेरा फेरी जल्द ही होने वाली है रिलीज। अपनी फिल्म दबंग सरकार की डबिंग करने पहुंचे खेसारी लाल ने पहली बार मीडिया वालों को इतना ज्यादा समय दिया कि अपने से जुड़ी काफी सारी बातों का खुलासा भी खेसारी ने किया है, और इन्हीं में से एक खुलासा अक्षरा सिंह को लेकर भी किया। आप लोग ये खबर तो जरूर सुन चुके होंगे कि बबुआ बवाली फिल्म में खेसारी के साथ अक्षरा नजर आने वाली है, लेकिन अक्षरा के साथ काम करने को लेकर खेसारी ने क्या जवाब दिया है देखिए। अभी नहीं कहा जा सकता, अभी कहानी बनेगी, अभी बहुत सारी चीजें होगा, तो क्या होगा क्या नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें अलग होती है। मैं भी हो सकता है जब बवाली में मैं ना रहूं, हो सकता है अक्षरा जी ना रहीं, वो तो डायरेक्टर के ऊपर है, डायरेक्टर जी क्या डिसाइड करते हैं, मैं उसमें कोई चीज़ें नहीं करता, क्योंकि मैं हीरो हूं इतना मैं जानता हूं, बाकी कौन क्या है इस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। अक्षरा जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम मेरे साथ किया है, आगे भी हम दोनों करेंगे, और एक गाना भी किया उन्होंने मेरे लिए बलम जी लव यू में, तो काफ़ी दिन के बाद उनके साथ मेरा काम होगा और हुआ है, तो शायद पब्लिक को बहुत पसंद आएगा और पब्लिक अपना प्यार। ये रहे आज के ताजा खबर, चले के समय हो चुका है, अगला प्रोग्राम में फिर से होके मुलाकात ऐसे नहीं ताजा तरीन खबर का साथ है। लेकिन जाए से पहले बताएं मेरे को मैसेज सुदीप कुमार भेजले बड़े, ये लिखा दे रहे कि पवन सिंह की बॉडी तो अच्छी थी एक समय पर, लेकिन अब खेसारी ने उनको पीछे छोड़ दिया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे आने वाला स्टार कल्लू ही है। तो अगर सुन रहा बाड़े कल्लू तो सुदीप का मैसेज पर गौर जरूर फरमाएं। आज सुदीप के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ई रहे आज के ताजा खबर, चले के समय हो चुकल बा, अगला प्रोग्राम में फिर से होके मुलाकात तो ऐसे ताजा खबर नया नया मैसेज का साथ, लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी इजाजत, प्रणाम। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर,
पीटीओ एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।